हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिमन और मैं लेके आया हूं काली माँ के ब्लेसिंग्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से नए चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं और ये भी इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ओवरऑल एक गाइडेंस आपको मिलने वाला है। प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई और सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैं आपको कभी कमेंट करके प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा, स्कैमर से बचिएगा। तो चलिए देख लेता हूँ इस टाइम पे आपके लिए माँ काली कौन से ब्लेसिंग्स को भेज रही है। डबल टैप कर लीजिएगा एंड चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि माँ माँ होता है, सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे माँ को कौन से मैसेजेस प्रोवाइड कर रही है। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है शमशाना। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। ऐसा कुछ काम आप कर रहे थे या फिर ऐसा कुछ डिसीशंस आप सोच रहे थे या फिर ऐसे कुछ चीजों के बारे में आप सोच रहे थे जो आपके सोल वैल्यू के साथ मैच नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी आप कर रहे थे, बहुत ज्यादा डीप थॉट प्रोसेस के साथ आप चल रहे थे या फिर कोई एक चीज को प्रूव करने में लगे थे या फिर जहां पे आपको उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थे वहां पे आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे। तो शमशान माँ का जो मैसेजेस है आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट एंड क्लीन एंड क्लियर कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपको प्रॉपर रास्ते पे ले आने के लिए माँ को कुछ चेंजेस ले आना पड़ा। हो सकता है लाइफ में आपको बहुत नए तरीके से निडर होके आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए ट्रस्ट मी कुछ पुराने मेथड्स को आपको चेंज करना होगा, कुछ पुराने टेक्निक्स को आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली बात आ रही है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। जो जो नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स आपको पीछे धकेल रही है, जो जो नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स आपको बार बार डाउटफुल बना रहे हैं या फिर जो जो एनर्जी कॉर्ड्स आपके मन में यू नो डिफरेंट किस्म के डिस्ट्रैक्शंस लेके आ रहे हैं, वक्त आ गया कि ये सारे चीजों को कट ऑफ करने का। यहाँ पे फोकस का बात है, यहाँ पे आपके सोल का धर्म का बात है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग जो कह रहे हैं, लोग जो मान रहे हैं, उसी को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। जरूरी है कि आप जो चीज पे यू नो आनंद उठा सकते हो, आप जो चीज पे विश्वास करते हो उसको लेके आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहे हैं तो प्रेशर को कट ऑफ करके जो चीज को आपको सबसे ज्यादा पसंद है उस चीज के ऊपर फोकस करिए। बाहर के बातों में मत आइए। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, खास करके कोई ऐसा गोल लेके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो बट कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है तो इस टाइम पे दूसरे लोगों का क्या हो रहा है, कौन किसका यू नो कौन कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, ये बात नहीं है। अगर आप एंजॉय करते हो, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो एंड अगर आपको लगता है कि हाँ आप काम कर पाओगे या फिर कोई चीज को आगे लेके जा पाओगे तो उसी पे स्टिक होके काम करते जाओ। बाहर के डिस्ट्रैक्शंस आते जाते रहेंगे। ये वक्त है आपके खुद के पावर के ऊपर विश्वास करने का, ये वक्त है आपको सारे चीजों को कट ऑफ करके सिर्फ अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ने का। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे माँ आपके लिए और क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं और कौन से नए चेंजेस आपको लेके आना होगा। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है षोडशी माँ। षोडशी माँ मतलब जो जो पर्सन आपको रिजेक्ट किए थे, जो जो पर्सन आपको यू नो गुड इनफ नहीं समझे थे, इन लोगों को यू नो आपको कुछ प्रूफ करना नहीं है बट इन लोगों को एक जवाब मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मैं माँ आपको बोल रही कि आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, आप लोगों से अलग हो और यू नो यहाँ पे प्रॉफिट आपको ढूंढना नहीं है कि कहाँ पे कितना प्रॉफिट आपको होगा, सिर्फ आप अपने यूनिकनेस के ऊपर फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं आप जो काम को करते हो वो दिल से करते हो, आप जो चीज को लेके आगे बढ़ते हो आप सिर्फ लोगों के अच्छाई के लिए आप काम करते हो, आपका इरादा नेक है एंड आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो। तो इसी ऑनेस्टी के साथ, इसी इंटीग्रिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, भले आपको अभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहे हो बट इन द फ्यूचर इन द लॉन्ग रन आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। माँ सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि आपके जो परमात्मा है इस परमात्मा के बात को सुनिए, आपको अपनी खुद के इंट्यूशंस को सुनना है, आपको इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो तो अगर कोई आपको बहुत
बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बाहर के जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है इससे अगर आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, या फिर लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और आप बहुत पीछे महसूस कर रहे हो, या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि रेस में आप बहुत पीछे चले गए हो, तो माँ आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ कोई रेस नहीं है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और आपका जो गोल है वो भी काफी यूनिक है। तो इन्हों लोगों के साथ आप अपने सोल जर्नी को कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो प्लीज आप कंपेयर करना बंद कीजिए। आपके जो पथ है वो सही है, आपके जो लाइफ का जर्नी है वो अलग है। सो कहीं ना कहीं इसीलिए आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना लाइफ में वो भी इन लोगों से काफी अलग होने वाला है। और इन्हो यहाँ पे मैं आपको बोल रहे हैं कि इसीलिए आप अलग हो क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो। हो सकता है कि आपके सोल जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है, जिस तरीके से चेंज आप खुद के अंदर लेके आए हो, वैसे कोई नहीं ले आ सकता है। यही आपके सोल का खासियत है। तो कुछ यूनिक चीजें हैं जो आपके पास है, जो कुछ यूनिक पावर है जो आपके पास है, और उसी यूनिक पावर को लेके आपको आगे बढ़ना है, दुनिया को दिखाना है, दुनिया के सामने आना है। सो आपको ये डरना नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, खुद के ऊपर पॉइंट आउट आप मत करिए, खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, आप गुड एनाफ हो, यही मैसेज है। तो अगर आप डर रहे हो कि क्या आप कर पाएंगे, क्या आपसे हो पाएगा, क्या आप सही पथ पे हो, क्या आप जो गोल जो भी मैनिफेस्टेशन को कर रहे हो कि आप बाकी में उसको अचीव कर पाओगे, सो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि हाँ आप अचीव कर पाओगे। बट बात है कि अप्रोच जो होगा वो इंडिविजुअल अप्रोच होना चाहिए। तो प्लीज आप खुद के सजेशंस खुद फॉलो कीजिए, खास करके नोट्स बनाना है, या फिर स्ट्रैटेजी सेट करना है, या फिर अप्रोच लेके आगे बढ़ना है, स्पीच देना है, इंटरव्यू देना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करनी है, या फिर कोई बिजनेस का प्रोडक्ट का वैल्यू को एनालाइज करना है, तो प्लीज आप अपने दिमाग लगाइए। दूसरे पर्सन से मत पूछिए, दूसरे पर्सन को रिक्वेस्ट मत कीजिए, दूसरे पर्सन का सजेशन का कोई जरूरत नहीं है, आप अकेले काफी हो। आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच के बारे में सोच के आगे बढ़िए। यहाँ पे टीम हैंडलिंग रोल के बारे में माँ नहीं बोल रहे, माँ आपको बोल रहे कि आप अगर कोई भी किसी भी टीम के अंदर हो तो आप अकेले काफी हो दूसरों के मुताबिक। सो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं शायद आप अकेले काफी नहीं होंगे, या फिर सामने फ्यूचर में आगे फ्यूचर में आपको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, नो, या फिर मान लीजिए कि जो समाज के अंदर आप हो, जो फ्रेंड सर्कल के अंदर आप हो, ये लोग कुछ अलग किस्म का जिंदगी फॉलो कर रहे हैं, कुछ अलग किस्म का टर्म्स फॉलो कर रहे हैं, और ये लोग आपको फोर्स कर रहे हो उसी तरीके से बनने के लिए, अगर ये लोग आपको सजेशन दे रहे हैं कि कुछ इन्हीं लोगों के जैसे कोई काम करिए, या फिर फेमस होने के लिए कुछ करिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए कौन सी चीज सुटेबल है और कौन सी चीज सुटेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो आवाज आ रही है उसको सुनिए, दुनिया का बात अभी मत सुनिए। आपको पता है कि कौन से लक्ष्य आपके लिए खास है, कौन से लक्ष्य आपके लिए इनाफ होगा। सो अपने इंडिविजुअल जर्नी के बारे में सोच के आगे बढ़िए। बट मैं बोलूंगा कि निडर होके आगे बढ़ना है ही, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना होगा। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना होगा, एंड फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना होगा। सो निडर होके आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपके पास वो हुनर है, क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए माँ ने आपको चूज किया है, माँ ने आपको भरोसा कर पाए हैं, तो आगे बढ़ना जरूरी है, डरना नहीं है आपको इस टाइम पे। लेट्स सी और क्या फ्यूचर रिस्टिक कार्मा आपको दे रहे हैं, और क्या चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे आ गया है खरगा, और खरगा का मतलब डिटैचमेंट। सो कुछ डिटैचमेंट बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। कुछ हद तक अगर बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक आप हो गए हो, या फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हो, कहीं ना कहीं पास्ट से मूव ऑन करने के लिए माँ आपको बार बार बोल रहे हैं। ऐसे कुछ खतरनाक पास्ट है जो बार बार आपको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत ही टॉक्सिक अतीत, टॉक्सिक पास्ट जो आपको बार बार क्रिटिसाइज करे, कुछ ऐसे ओल्ड मेथड, कुछ ऐसे ओल्ड सोसाइटी, ओल्ड फ्रेंड्स, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, कहीं ना कहीं डिटैच होना है सबसे। और यहाँ पे डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने सक्सेस के बारे में भी नहीं सोचोगे, फेलियर के बारे में भी नहीं सोचोगे, ना आपको रिवॉर्ड चाहिए, ना आपको पनिशमेंट चाहिए, आप सिर्फ अपना सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करोगे। तो यहाँ पे क्या अप्रोच होगा, इंडिविजुअल अप्रोच होगा, डिटैचमेंट होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
फ्यूचर की तरफ आपको आगे देख के जाना है। कुछ ऐसे चेंजेस मान लेके आ रहे हैं जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा अरे आप तो बिल्कुल अकेले हो गए, साइड ट्रैक हो गए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू नो कुछ हद तक माँ आपको बोल रहे कि देखो आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो ये काफी है, बट अभी भी आप बहुत ज्यादा सराउंडेड हो नेगेटिव एनर्जीज से, अभी भी आप बहुत ज्यादा यू नो एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हुए हो, यू नो अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी भी उस तरीके का कन्विक्शंस नहीं आ रहा है, अभी भी डिले हो रहे, अभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन चालू हुए, तो अभी आपको फोकस करना है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप जो पर्पस के लिए इस धरती पे आए हो आपके अंदर जो काबिलियत है उसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डे यू नो बीत जा रहा है बट चेंजेस नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा आप खुद के अंदर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चेंज आप नहीं हो रहे हो, सेम ओल्ड प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, एक भी दिन अलग नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कुछ अलग होगा, कुछ अलग करेंगे, बट सेम टू सेम ये हैबिट को चेंज करना होगा। कुछ बैड हैबिट्स है जिसको लेके आप चल रहे हो, सकता है लेट राइजिंग या फिर लेट तक सोना या फिर बार बार अपने यू नो ऐसा होता है कि कौन क्या कर रहे, कौन कितना अपडेट किया, कौन कितना ज्यादा कमा रहे, या फिर बाहर की दुनिया की तरफ बहुत ज्यादा फोकस अगर बढ़ गया है आपका, तो माँ बोल रहे कि इसको हटाइए। यू नो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है सोशल मीडिया से थोड़ा सा विड्रॉ करना होगा। बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हो अगर, बहुत ज्यादा म्यूजिक सुन रहे हो अगर, बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हो अगर, बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिल रहे हो, सोशल मीडिया मैसेजिंग एप्स यू नो इस सब से थोड़ा सा पॉज करना है। मेडिटेट कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका एनर्जी किस जगह पे वेस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट करना बंद करना होगा क्योंकि एनर्जी वेस्ट आप कर रहे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप क्लैरिटी आप लोगों को मिल गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड जरूर इस वीडियो को दोबारा सुनिए ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस किए हो तो आपको पता चल जाएगा। सो इस बार मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।